नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने अब एक और खुलासा किया है। मोनिका भदौरिया की माने तो असित कुमार मोदी ने उन्हें धमकी दी है। ये धमकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। दरअसल मोनिका भदौरिया ने जैसे ही बावरी का किरदार निभाने से इनकार कर दिया, शो छोड़ दिया, उसी के बाद असित कुमार मोदी ने उन्हें धमकी दे डाली। इसका खुलासा एक इंटरव्यू में मोनिका भदौरिया यानी कि बावरी करती हुई नजर आती है। बावरी कहती हैं कि उन्हें असित कुमार मोदी से धमकी मिली थी कि उनका करियर वो कहीं नहीं बनने देंगे, यानी कि मुंबई में रह करके मुंबई में कहीं भी वो अपना करियर नहीं बना सकती हैं। साथ ही मोनिका ये भी कहती हैं कि पहले ही मैं अपनी माँ की मेंटल ट्रोमा से गुजर रही थी, माँ के निधन के बाद पहले ही मैं मेंटल ट्रोमा में थी और वहीं असित कुमार मोदी की वजह से मैं एक बार फिर से मेंटल ट्रोमा में आ चुकी हूँ। इससे मेरे करियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आपको बताते चले कि इसके अलावा ही मोनिका भदौरिया ने ये भी कहा कि जो शो के तमाम डायरेक्टर्स हैं, सोहेल रहमानी का नाम साफिया के, जो सोहेल रहमानी है वो भी काफ़ी बदतमीज़ किस्म का इंसान है और किसी भी कलाकार के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करता है। मोनिका भदौरिया के ये खुलासे काफ़ी ज़्यादा अहम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ये खुलासे तब हुए जब जेनिफर मिस्त्री ने अपनी बात सामने रखी। इससे पहले ये तमाम खुलासे नहीं हुए थे। अब लोग लगातार इस पर अपने अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब इस तरीके की बात थी तो आखिर इसके लिए पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया, पुलिस की मदद पहले ही क्यों नहीं ली गई और क्यों सोशल मीडिया पर ये बातें अब जाकर के सामने आ रही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।